हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि कल के क्लास में बताया था, इनपुट डिवाइसेस में माइक्रोफोन तक, वहीं से हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, आज का जो हमारा इनपुट डिवाइस है वह है वेब कैमरा। तो सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि वेब कैमरा होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग वेब कैमरा नाम सुने होंगे, सुने हैं, बताइए इस्तेमाल करते हैं आप लोग? सुने भी हो, इस्तेमाल भी करते हो, ठीक है। वो वेब कैमरा आपके लैपटॉप में भी होता है और आपके स्मार्टफोन में भी होता है, बस इस पीसी में नहीं होता, इस वाले पीसी में नहीं होता है, इसको अलग से लगाना पड़ता है। अब वेब कैमरा का काम क्या है, इसका यूज क्या है, चलिए एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो देखो, जो वेब कैमरा है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं अपने इमेज को, अपने वीडियो को, अगर अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में कैप्चर करना है, दिखाना है, रिकॉर्ड करना है, तो वहां पे इस्तेमाल किया था वेब कैमरा का। क्लियर है? जैसे मान लो मैं सोच रहा हूँ कि यह जो हमारा कंप्यूटर है इसमें मेरा फोटो दिखाई दे, तो आप बताओ क्या कहीं दिख रहा है आपको? कैमरा दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना। तो अगर चाहता हूं मैं तो इसके लिए मुझे वेब कैमरा अलग से लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वेब कैमरा अलग से लगाना पड़ेगा। देखो जैसे वहां पर लगाया गया है, दिख रहा है आपको? और वैसे ही जो इस समय मेरा वॉइस जो जा रहा है इसी वेब कैमरे से जा रहा है। इसमें दोनों है, माइक्रोफोन भी है और कैमरा भी है। इससे चाहूंगे तो मेरे फोटो भी दिखाई देगा और वॉइस तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। देखिए, यही है हमारा वेब कैम, इसे बोलते हैं वेब कैम, इसे वेब कैमरा नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? वेब कैम है। इसमें दोनों काम कर रहा है, मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है और मैं चाहूंगा तो मेरा फोटो भी दिखाई देगा, ठीक है। तो वह किससे हुआ है, तो हमने कनेक्ट किया है, तो यही इसके बारे में देखो बताया जा रहा, समझाया जा रहा है कि इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पे वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है और यह कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। पोर्ट हमने बताया था ना, पोर्ट का मतलब क्या, वह लोकेशन, वह जगह, वह स्थान जहां पे हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो यह जो हमारा वेब कैम होता है किससे जुड़ा होता है? यूएसबी पोर्ट से। बोलो कि हमारे सिस्टम में पोर्ट है और वेब कैमरा है, उसको हमने कनेक्ट किया है तब यह काम कर रहा है, अगर नहीं रहता तो काम नहीं करता। फिर से बताया जा रहा है कि जुड़े होते हैं तथा कैमरा चालू होने पे सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। मतलब अगर तुम सोच रहे हो फोटो क्लिक करना है, तो जैसे स्मार्टफोन में क्लिक कर लेते हैं वैसे पीसी में करने हैं, वैसे लैपटॉप में चाहिए तो लैपटॉप में तो पहले से रहता है, लैपटॉप में पहले से रहता है, देखते होगे आप लोग बीच में, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है चालू होने पे सामने बैठे व्यक्ति का फोटो खींच सकते हैं, वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए, जरूरी है। आप बताओ, कीपैड वाला फोन चलाते हो और मैं बड़ा वाला फोन चलाता हूँ, क्या हमारे आपके बीच वीडियो कॉलिंग बात हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दोनों में होना चाहिए, आपका भी एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, कंपनी कोई उससे मतलब नहीं है, बस उसमें कैमरा होना चाहिए, आसानी तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट बताया जा रहा है कि होना चाहिए वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप है। वेब कैम क्या है? वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है वेब कैम में वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी आप लोग का फेस दिख रहा है, रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर नेटवर्क पे स्ट्रीम किया जा सकता है। ध्यान देना, देखो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पे स्ट्रीम किया जा सकता है। मतलब प्रेजेंट टाइम में मान लो जैसा मैं हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि किसी से हम लोग कम्युनिकेशन करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे, वीडियो कॉल के सहारे, तो रियल टाइम में जैसा हूँ वही दिखेगा ना, नेटवर्क के सहारे स्ट्रीम कराते हैं, मतलब दिखाते हैं, ठीक है। किससे? तो उसके कंप्यूटर में भी रहता है और मेरे कंप्यूटर में रहता है, मतलब मैं भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इंटरनेट उसके में भी रहता है, इंटरनेट हमारे में भी रहता है, और रियल टाइम में जो मेरा इमेज है, जो वीडियो है, वो क्लिप आसानी तरीके से किसके सहारे दिखाया जा सकता है? वेब कैमरे के सहारे दिखाया जा सकता है। फिर से बताया जा रहा है कि
किया जाता है, तब आप उसे सेव व्यू या सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से सेंड भी कर सकते हैं। मतलब आप उसको सेव भी कर सकते हो और जरूरत पड़ेगा तो उसको कहीं पे सेंड भी कर सकते हो, और आप इसे इंटरनेट या ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी भेज सकते हैं। मतलब जो भी वीडियो क्लिक होगा या जो इमेज कैप्चर करेंगे वो आसानी तरीके से भेज सकते हो ना, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल हो गया। अब इस समय तो बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग आ गए हैं, अब कहाँ फोटो तो भेजने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप बोलो सबसे बेटर है, ठीक है, क्योंकि होता आसानी तरीके से ऑपरेट कर ले जाते हैं, चला ले जाते हैं। मतलब इतना मैं बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई पूछे वेब कैमरा क्या होता है तो बता सकते हो सिंपल शब्दों में, एक वर्ड में, सर वेब कैमरा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके सहारे अपने इमेज को, अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? अपने सिस्टम में, अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, क्योंकि जब तक वेब कैमरा नहीं रहेगा मेरा पिक्चर स्ट्रीम नहीं होगा, किसमें? हमारे सिस्टम में, अदर कन, यही है, इसी से होगा। जिससे हमारा वॉइस नहीं जाएगा जब तक माइक्रोफोन नहीं रहेगा, वैसे वेब कैमरा नहीं रहेगा तो हमारा फोटो दिखाई नहीं देगा। बोलेंगे देखते ना वहां पर लिखा रहता है स्टॉप वीडियो, कोई जब स्टॉप वीडियो कर देते हो क्या हो जाता है, हमारा वीडियो जो वेब कैम होता है वो बंद हो जाता है। अच्छा बंद हो जाता है तो ही हमारा फोटो दिखाई नहीं देता है, अब क्लिक करते जैसे ऑन होता फोटो दिखाई देने लगता है। क्लियर है? बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट, अगला, ये तो आप लोग सुने हो और देखे भी होगे। वो लिखने वाला कोई है नहीं, बस दो शब्दों में, बस यार उसके बारे में जानते हैं बस, क्या होता है, ठीक है, वो तो समझाने में डिटेल में लिखवाऊंगा, उतना छापने का को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम छपवाना लिखवाऊंगा वहां पर कराऊंगा, बस अगर सिंपल से कोई पूछे तो बता सकते हैं, और डेली इस्तेमाल करते हैं, यूजली हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम, तो बिना वेब कैमरे का फोटो क्लिक भी नहीं कर सकते, समझे ना? तो जो मैटर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रियल में आपके सामने नया आएगा उसको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए अगला है टच पैड, ये भी जानते हो आप लोग, यह क्या करता है बताओ? टच पैड को क्या क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, इसके सारे क्या करते हैं, एक पैड होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, उंगली को छूते हैं, और जैसे छूते हैं तो जिधर जिधर हमारा उंगली जाता है क्या होता है, कर्सर उधर उधर मूव करता है, और इसका इस्तेमाल सबसे कहाँ पे किया जाता है, लैपटॉप में, बोलो लैपटॉप में सबसे ज्यादा किया जाता है, स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन दूसरा है, ठीक है। मतलब टच पैड का मतलब वह हमारे सिस्टम से कनेक्ट रहता है, उस पैड पे उंगली को टच करते हैं, छूते हैं तो स्क्रीन पे हमारा जो भी पॉइंटर होता है मूव होता है, दिखाई देता है, कोई काम कर ले जाते हैं, लेकिन टच स्क्रीन में फर्क है। टच पैड मतलब किसी पैड के सहारे हम ऑपरेट करते चलाते हैं, टच स्क्रीन मतलब उस स्क्रीन को टच करके चलाते हैं, जैसे आप फोन चला रहे हो जैसे टच पैड नहीं बोलोगे, आपका टच पैड फोन नहीं है, इसे बोलते टच स्क्रीन है, आपको सर क्या मतलब है? टच पैड मतलब यह हमारा कनेक्ट हमारे फोन से, हम चलाए इस पे काम करे इस पे फोन पे दिखाई दे, लेकिन टच स्क्रीन मतलब स्क्रीन को ही टच करके ऑपरेट करे है, इसी बोलते हैं टच स्क्रीन, दोनों में फर्क होता है, समझे ना? आज के बाद से कंफ्यूजन दूर करिएगा, टच पैड मतलब वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है, उस पैड पे काम करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे कर्सर जो मूव करना मूव होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो काम करता है, टच स्क्रीन मतलब उसी स्क्रीन को ही टच करके काम करते हैं, जैसे मान लो इधर मूव करना है तो स्क्रीन को ऐसे टच कर दे चला जाए ऊपर नीचे, इसी स्क्रीन को टच करके, लेकिन लेकिन नहीं हो पा रहा है, बोलो हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तब वो चलेगा, तब काम करेगा, तो दोनों में फर्क होता है। अब देखते हो ये लैपटॉप है तो चलाता है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता है, फिर कुछ लेटेस्ट लैपटॉप आ चुके हैं नहीं रहेगा, बस स्क्रीन टच करेगा, क्लिक क्लिक करके चला देगा, ठीक है, दोनों फर्क है। ये देखो बताया क्या जा रहा है कि यह एक छोटा सहनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप पे माउस के स्थान पे यूज होता है, मतलब अगर बताओ लैपटॉप में माउस ना हो तो चल जाएगा सिस्टम, चल जाएगा किसके सहारे? इसी टच पैड के सहारे, ठीक है, और जब इसकी सतह पे उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पे मूव करता है, मतलब जैसे ही उसको टच करते हैं तो उसके नीचे एक बॉल लगा होता है जिसे बोलते ट्रिक बॉल, और जैसे बॉल पे प्रेशर पड़ता है तो बॉल जाहिर सी बात है जिधर घुमाओगे उधर घूमेगा, उसी के नीचे रहता है, जैसे उंगली टच होता है प्रेशर पड़ता है और जैसे इधर उधर घुमाते हैं बॉल धीरे धीरे घूमता है, अच्छा बॉल धीरे धीरे घूमता है तो कर्सर भी घूमने लगता है, ठीक है, यही बताया जा रहा है। तो कर्सर स्क्रीन पे मूव करता है, टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का वह इनपुट डिवाइस है जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में
प्रयोग करते हैं। लैपटॉप में आप माउस की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। लैपटॉप में माउस कनेक्ट नहीं रहना, मतलब नहीं करना पड़ता है, नहीं रहता, आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से नीचे बताया जा रहा, देखो लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप पे जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है ना, आप लोग लैपटॉप देखी भी हो। हाँ, लेकिन जितना माउस इजी तरीके से चला पाते इसको नहीं चला पाते, इधर खींचते रह जाते हैं, ठीक है, दबाना दूसरे जगह दबा देते हैं, दूसरे जगह 2 4 दिन चलाना पड़ता है, 10 दिन चलाना पड़ता है, तब अच्छे से कंट्रोलिंग में आता है। फिर से बता रहे, लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो काम माउस का होगा सेम काम करेगा कौन। और इसी के बाद से देखो यहाँ पे दिया है ट्रैक बॉल, इसी के नीचे होता है। तो देखो बताया जा रहा है कि ट्रैक बॉल क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन बताया था हमने, बोली बताइए। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, नहीं उसका मतलब क्यों बताया था हमने, क्योंकि इसको आसानी तरीके से, ठीक है, हम लोग अपने हैंड से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। कहा जा रहा है ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप में किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बाल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। लेकिन दिखता है क्या बॉल आपको, नहीं दिखता है, इसके नीचे रहता है, उसी टच पैड के नीचे रहता है। जैसे मान लो देखो यह है, दिख रहा आपको, इसी में छोटा सा बॉल लगाया गया है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, निकाल के नहीं निकाल, बोलो छोटा सा इतना है, देखो कुछ जुड़ा है, ठीक है, तो बस हम यहाँ प्रेशर जैसे डालते हैं वो काम करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बॉल रहता है, जब घूमता है तो ही कर्सर मूव करता है, ठीक है। अब इसको कैसे अपडेट करते हैं, तो ये अलग है, या इसे नहीं बोलेंगे, ग्राफिक टेबलेट है, ठीक है। इसको हम लोग किससे चलाएंगे, एक पेन से चलाएंगे, देखो पेन है मेरे पास है, इससे चलाएंगे, उंगली से छूएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए पेन बनाया गया है। अब इस पे काम करेंगे तो उस पे चलेगा, इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, अभी उसके बारे में बताऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है बाबू। फिर से बताया जा रहा है क्या, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पे प्रदर्शित पॉइंट ऑप्शन टूल सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। इसमें इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने वाली उंगली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है। गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना ही घूम जाता है, क्योंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता है, अतः इसके लिए हम कम स्थान की आवश्यकता होती है, और यही कारण कि इसका इस्तेमाल कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन आदि के लिए किया जाता है। मतलब माउस को तो थोड़ा जगह चाहिए ज्यादा, तब घूमता है ना जी, उसके लिए उतना ही में सब काम करना है, जहां जहां घुमाना घुमा सकते आसानी तरीके से। और इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे कहाँ पे किया जाता है, लैपटॉप और स्मार्टफोन। क्लियर है। चलिए अब तुम सोच रहे हो सर ट्रैक बॉल नहीं, टच पैड और टच स्क्रीन। देखो टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है, यह है दे रहा है ये टच कर रही है तब काम कर रहा है। आप लोग फोन चलाते हो, कोई एप्लीकेशन खोलना है तो क्या करते हो, क्लिक करते हो, उस स्क्रीन पे टच करते हो, और कभी कभी काम नहीं करता तो क्या कहते हो, हमारी स्क्रीन ही काम नहीं कर रहा है, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा, कभी नहीं कहते टच पैड काम नहीं कर रहा। हाँ कुछ लोग लड़के कहते हैं टच पैड काम नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो थोड़ा वो जानते हैं जानकारी है वो बोलेंगे टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, ताकि टच पैड काम नहीं कर रहा, समझे। चलिए ये क्या बताया जा रहा है कि टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाए, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन दबाने की बजाय उसकी सतह को छूने मात्र से वो माउस के पॉइंटर के क्लिक की तरह कार्य करे, उसे ही टच स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे अवेलेबल पिक्चर वर्ड्स टच करता है, जिससे उस जगह पे प्रेशर क्रिएट होता है और कंप्यूटर पे टच स्क्रीन उस प्रेशर के हिसाब से काम करती है। जैसे मान लो कुछ पिक्चर दिखाई देंगे आपको, यही है ना जी, कुछ टेक्स्ट दिखाई देंगे, हम उंगली से कुछ को टच करते हैं, मूव कराना मूव कराते हैं, ओपन करना ओपन कर लेते हैं, जब क्लिक करते हैं तो प्रेशर पड़ता है ना, तभी तो काम करता है, ठीक है। यही बताया जा रहा है कि जैसे हम उंगली से उसको टच करते हैं, उस स्क्रीन को टच करते हैं, उसको प्रेशर पड़ता है, जिस वर्ड पे क्लिक करते हैं या जिस पिक्चर पे क्लिक करते हैं आसानी तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर ले जाते हैं। फिर से देखो बता रहा, टच स्क्रीन का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, इन्हें आप अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर लैपटॉप
एटीएम मशीन इत्यादि में देखते आए हैं। अब बताओ एटीएम पहले बटन दबाते थे जा जाए, अब बताओ मैक्सिमम क्या हो गया है? जी बस जाइए दबाइए पैसा निकालिए, बटन नहीं दबाना हो, स्क्रीन टच आ गया। ठीक है तो ध्यान दीजिए, इसी बोलते हैं टच स्क्रीन। क्या कर पासवर्ड रहे हो? अरे यार तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, पर थोड़ा टच स्क्रीन वाला पर थोड़ा आ जाएगा ना। हाँ चलिए यही है, इसको बता रहा हूँ। देखिए यही लाइट पे दिख रहा है आपको, अब मैं चला के भी दिखा देता हूँ इसको। हाँ इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, दिख रहा बाबू आपको। चलो मान लो कुछ हमको लिखना है, ठीक है, तो देखो लाइट पे क्या कर रहा है यार, बस क्लिक ला दिया है। अब मुझे कुछ समझाना है मैं लाया, और यही देखो ग्राफिक टेबलेट है, दिख रहा है ना आपको। अब इसमें कुछ समझाना है बताना है बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? ठीक है तो मैं आ रहा जी, मतलब जहां जहां जैसे चलाएंगे वैसे ऑपरेट होगा, चले मतलब काम कर रहा है इस पे, नहीं दिख रहा है मैंने स्क्रीन पे। तो ये ग्राफिक टेबलेट है, इसी के साथ ये आता है पेन, तो जो भी कुछ डिजाइनिंग करना होता है, कुछ लिखना होता है, मतलब माउस के जैसे काम करता है। मैं चाहूंगा तो कैसे काट दूंगा इसको, आ गया, ये चाहूंगा तो मिनिमाइज कर दूंगा यहाँ से। ओके देखो दे रहा ना आपको, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, माउस के जैसे काम कर रहा है। और इसमें ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? डिजाइनिंग करने के लिए या डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए। इसमें आरटीओ ऑफिस में चले जाना, ये बटन मिलेगा आपको, डिजिटल सिग्नेचर करवाएंगे इसे, इसे ऐसे पैड रहेगा और लिखना पड़ेगा आपको, इसे दूसरा कोई, ठीक है, जैसे होता है क्या, हर कई बार लिखते हैं हमारा सिग्नेचर कर देगा, ठीक है, पकड़ा नहीं जाता है, इससे करेंगे तो पकड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ अंतर मिल जाएगा। ठीक है तो देखो यही बताया जा रहा है। अब लाइट पेन भी अलग अलग तरीके से आते हैं मार्केट में, अब जैसा जरूरत पड़ता है वैसा हम लोग खरीदते हैं। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं। देखो लाइट पेन से दो हास्य है, पहला लाइट पेन जिसमें एक बैटरी होती है, और कुछ ऐसे लाइट पेन होते हैं जिसमें क्या होता है, बैटरी होती है और उसके ऊपरी हिस्से पे एक एलईडी लैंप लगा होता है, ठीक है, इसमें नहीं लगा है, ठीक है। यह लैंप इसीलिए होता है कि लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सके, अगर पावर नहीं है ना फिर भी उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज होगा ना कुछ टाइम के लिए, आसानी तरीके से इस्तेमाल किया सकता है, लिख सके। और दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से है जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पे प्रकाश डालने के काम आता है। देखिए जैसे मान लो ये फोटो टो है, तो मेरे पास ये है, जो भी कुछ बनाना है बनाना है तो देखो पेन से बनाऊंगा आराम से, और इससे डिजाइनिंग होता है, समझे? लेकिन और भी बहुत ज्यादा इसका यूज है, ठीक है। फिर से बता रहा तीसरा, देखो दो ही लिखा गया था लेकिन तीसरा बता रहा, तीसरा कंप्यूटर पे आप काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टेबलेट पेन। चौथा और अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है वह है एक इनपुट डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं, और आमतौर पर जब हम लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा आशय उसी किसी से होता है कि इसका नमूना प्रोटोटाइप 1950 में अमेरिका में तैयार किया गया था। कंप्यूटर पे काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम कर लाया जाता है, इसमें लगे बटन को दबाने पे कंप्यूटर डिस्प्ले होता है, इसमें बटन है, देखिए दो बटन, या जैसे हम लोग माउस में दो बटन होते हैं ना, वैसे इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इतना दबाना थोड़ा इजी नहीं रहता, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, लेकिन बटन भी है, ठीक है, तो लेकिन बहुत महंगा है, मतलब हाई गुम हो जाएगा कोई बात नहीं, पेन नहीं गुम होना चाहिए, इसलिए जेब में लेके घूमते हैं इसको, लेकिन इसको कहीं छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना भैया खरीदेंगे इतना नया मिल रहा है, ठीक है, तो ये गुम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको गुम नहीं होने देते, ठीक है। बहुत महंगे मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कॉस्ट इसका पेन का बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो सोच रहे 2-400 मिल जाएगा, ठीक है, 3,000 से ऊपर ही मिलेगा पेन, ठीक है, कौन टोटल 4 से 5 में अच्छा मिल जाएगा। ये तो बहुत पुराना है, लॉकडाउन में खरीदे थे हम लोग पढ़ाने के लिए, देखिए इससे में लेटेस्ट आ चुका है, इससे बड़ा आ गया, ठीक है, तो काम देता है, जब खराब हो जाएगा दूसरा इस्तेमाल करेंगे। तो यही आसानी तरीके से आप लोग काम कर सकते, मतलब देखो अगर एक शब्द बताना है, कोई डिटेल में लिखा गया है,
बता सकते हो लाइट पेन एक इको डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ठीक है हम लोग किस लिए करते हैं, माउस के स्थान पे करते हैं, प्लस कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करना होता करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर करना होता है, बस सिंपल है। ये डिटेल में इसलिए मैं लिखवाता हूँ जिससे आपको ये पता चल सके कि यहाँ यहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, और यह बहुत जरूरी है।